हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा व्लॉग्स। दीपा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से व्लॉग, क्योंकि जैसे ही टाइम मिलता है वैसे मैं स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो मैंने सोचा आज मॉर्निंग से कर लेती हूँ। तो आज घी ख़त्म मेरे डब्बे में हो गया है। दो तीन दिन से मैं पेंडिंग छोड़ रही थी कि आज बनाऊँ कल बनाऊँ, तो आज मैं लेके बैठी गई हूँ घी बनाने के लिए। देखिए, आज उस मेरे जो भगोना जिसमें रखती हूँ उसमें नहीं आ रही थी, तो मैंने आज इसी जार में निकाल दी आज की मलाई। तो आज तो बनाना ही पड़ेगा, ना भी तो दो दो बर्तन ना फ्रिज में सजे रहेंगे, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तो सर्दियों में तो पता है ना, जब घी बनाते हैं तो इसमें गर्म पानी डालते हैं मलाई में जब घी निकलता है, और गर्मियों में ठंडा। तो देखिए का पूरा ये मेरा जो भगोना है भर गया है, देखिए। तो इसलिए मैंने इसमें मलाई आज की डाली नहीं, वो इसी जार में डाल दी थी। गर्म पानी हो रहा है, कढ़ाई मैंने रख दी जिसमें पकाऊंगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा व्लॉग जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक भी ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिखिएगा, और मेरा व्लॉग कैसा लगता है ये मेरे को ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ज़्यादा ही हो गया कुछ गर्म बातों में, पता ही नहीं चला। तो मैंने स्पून ले लिए, क्लीन भी कर लिए हैं। पता, जब घी निकालते हैं तो काफ़ी सारे बर्तन फैल जाते हैं, किसी में घी है, कोई इसका ढक्कन है, कोई इसका ढक्कन है। इस चक्कर में तो थोड़ी मैसी सी आपको मेरी रसोई लगेगी आज की, तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। रसोई मीन्स किचन। तो मैं आधा इसमें निकाल लिया है, आधा सेकंड टाइम में निकाल लूँगी। दो बारी में करके निकालती हूँ, ईजीली हो जाता है। तो चलिए इसमें पानी ढाल लेते हैं थोड़ा गर्म। अपनी संडासी कहते हैं, पकड़ कहते हैं, इसको भी साफ़ कर लिया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा डाल लूँगी। इसलिए अपने गैस ऑफ कर देती हूँ कि वो अपनी गैस को हम ज़रा वेस्ट करें। वैसे बहुत महंगा हो गया सिलेंडर, मतलब 1,050 रुपीज़ का आता है भैया। तो गैस बचानी भी ज़रूरी है। अब इसका ढक्कन लगाते हैं। अब निकालते हैं इसकी मलाई। बहुत दिनों बाद निकाल दी, तकरीबन 20 दिन तो हो ही गए होंगे। 20 दिन में हो जाती है खट्टी, तभी मैं बना देती हूँ। ढक्कन थोड़ा सेट नहीं है, इसकी जो रबड़ है ना ढीली हो गई है बहुत। चलिए स्टार्ट। तो देखिए इसका घी निकल गया है झटपट। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना पानी अलग और जो हमारी मलाई है वो अलग। तो इसी को इकट्ठी करके मैं निकाल लूँगी। मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं पहले ही, क्योंकि मैंने इससे पहले रोटी बनाई है। रोटी बनाने में कम से कम 4 से 5 बारी मेरे हैंड वॉश हो जाते हैं। तो देखिए, चलिए ऐसे दिखा देती हूँ क्योंकि बिल्कुल पास से ना समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं है। ये देखिए, गर्म पानी आप डालेंगे ना तो बहुत ही आसानी से जल्दी निकल जाएगा। ठंडा पानी मत डालिएगा सर्दी में, नहीं तो उसको और दिक्कत होगी निकलने में, काफ़ी मेहनत आपकी भी लग जाएगी। क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन जब समझ आया मुझे तो मैं जब से फिर ऐसे ही निकाल देती हूँ। देखिए घी काफ़ी सारा निकल गया, घी मतलब मलाई। अभी जो बाकी रहेगी ना मेरी, देखिए मैं इसमें डाल दूँगी। इसी तरह से क्लीन कर लेती हूँ इसको मैं। और देखिए, जो कटोरी में गर्म पानी था मैंने इसमें डाल लिया है, और यही गर्म पानी इसमें डाल दूँगी। देखिए, इन चीज़ों में हाथ तो मैसी होते हैं, गंदे होते ही हैं, क्योंकि ये चीज़ हाथ से ही ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, किसी चम्मच स्पून से नहीं। तो मैं हाथ से ही करती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह साफ कर ली मैंने चम्मच भी, एक एक बूंद लेती है ये निकालने के लिए। चलिए इसको मैं मिक्सी में फिर से ग्राइंड कर लेती हूँ। और देखिए, सेकंड टाइम का भी मेरा घी निकल गया है, मतलब कि मलाई से, पानी से मलाई अलग हो गई है। देखिए अच्छे से आपको दिख रहा है। देखिए फिर से मैं हाथों से इसको भी निकाल लूँगी, फिर सारा अच्छी तरह पकने के लिए रख दूँगी।
आधी बचा दियो खाने के लिए आज, जरा सा सक निकल गया थोड़ा सा दवाई दवा के, इसका जो पानी दिख रहा है आपको ये निकाल, क्योंकि जलने में गैस फूकेगी फूकेगी, तो गैस पे भी ध्यान देना हमें बचत के लिए। देख थोड़ा सा हाथ के प्रेशर से दबाते हुए इसमें देखो काफ़ी निकल जाएगा। चलिए गैस मैं ऑन कर देती हूँ, बस यही प्रोसीजर है हमारा मलाई में से घी निकालने का। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम घर पे आसानी से मलाई निकाल सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है, हर एक चीज़ में लगती है, मेहनत तो हमें खाने में भी लगती है, तो इसलिए चलिए। और देखिए दोस्तों, मम्मी ने मूली काट भी दी है जितनी देर में मैंने रोटी और घी निकाला है, आई मीन मलाई निकाली है। देखिए अब मैं इसको पहले धूप में लगा के फैला के आ जाती हूँ सबसे पहले, और याद ही मैंने बचवा लिया, बाद में खाने के काम आएगी मेरे। दोपहर में हम खाना खाएंगे तो पहले इसको मैं रख दूँ कहाँ। चलिए इसमें कवर करके रख देती हूँ, इसको मैं पहले सुखाई आती हूँ। और अभी मिर्ची कटी नहीं है, देखिए ये देखिए, तो इसको भी पहले धूप में रखती हूँ, सबसे पहले ये काम करती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम सुखाने चलते हैं मिर्ची को और मूली को धूप आ जाए उससे पहले। धूप निकली गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, धूप आने से पहले ही तो नहीं सुखाऊंगी, धूप में ही सुखाऊंगी। थोड़ी अच्छे से धूप लग जाएगी और कपड़े पे सुखा रही हूँ ताकि अच्छे से इसका सारा पानी ये पककर कपड़ा भी सुखा ले। देखिए और मिर्ची मैंने यहाँ फैला दिया, बस ये गिर ना जाए टोकरी, क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज वाली। लग जाएगी धूप, देखिए इसको यहीं रख दूँ, यहाँ ज़्यादा अच्छी धूप आ रही है। चलिए ये काम हो गया मेरा, सो जाएंगे। थोड़ी खुली खुली सुखा देते हैं ताकि हर एक मूली में धूप लग जाए, बाद में दोबारा एक बारी और फिर इसको उलट पुलट कर देंगे। देखिए हमारे ऊपर की सीढ़ियाँ इस तरह की हैं, ये पोछा रखा हुआ है। मिठू यही सब मूली वूली गाजर आते थे ना, सलगम मिठू यही सब खा पाती हूँ। ये देखिए हमारे घर में नहीं है, हमारे पड़ोस वाली छत पे मिट्ठू हैं, दो दो आपस में रहते हैं। ये धूप खाने आए, हमसे पहले भी धूप खाने आ गई है, हम तो नहाए भी नहीं है, ये बिना नहाए धूप खा रहे हैं। मिट्ठू भाई खुजा लिया बहुत, सर्दी में खुजाने में लग रहे हैं ये, सुनने में लगे, सब सुनते हैं वो। घर का क्या हाल कर रखा बच्चों ने, देखो ये देखो देखो ऐसा है मेरा घर, ये देखो ये दोनों नानी और ये बेटा इनका, दोनों ने घर का नाश करके बैठे हुए हैं, साफ सफाई का कुछ इल्म नहीं है, इल्म मस्ती खोर मस्ती करने में लग रहे हैं। ये देखो लड़ाई हो रही है दोनों की, करो लड़ाई कैसे करते हो तुम लोग, दोनों ऐसे मस्ती करते हैं रोज, ये जिस दिन बच्चे की छुट्टी होती है ना नानी के साथ बड़ी मस्ती करता है। ये देखो दोनों घुसे पड़े रजाई में, निकलने का नाम नहीं हो रहा। और देखिए टाइम दिखाती हूँ आपको, देखो 11:30 होने वाले हैं, अब बताओ कैसे काम निपटाइए, उठे तो ना, और नहाना भी है दोनों को, नहाने का भी वो नहीं है बिल्कुल। देखिए और ये मैं हूँ, हाँ ठंड लग रही है पता है, बाहर ना ठंडी ठंडी हवा लग रही है, सर में दर्द ना हो जाए इसके लिए मैंने ये स्टोल ढाल लिया अपने सर पर, टिंग टिंग टिंग। ये देखो मेरा बच्चा पागल हो गया बिल्कुल ही, बेटू इधर आओ, आज इसका एग्जाम नहीं है ना, कल है, तो आज ऑफ दे दिया बाबू को। ये क्या हुआ, काटी काटी वो बोलेंगे, देखो कैसे मस्ती करते हैं, इनको काम नहीं करना, इतना टाइम हो गया, गंदे बच्चे हो रहे हैं। और देखिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, प्लीज़ देखिए ज़रूर, ये देखिए मेरी जैकेट, अब आप देखिए ओपन है, ठंड की शुरुआत की तो ये चैन मेरी ख़राब हो गई, मैंने इसको ऊपर करी थी, नीचे करी थी वो उसका टूट गया, लोग जो पकड़ने का होता है, तो अब नीचे कैसे करूँ, तो ये ओपन है, तो मैं सोची चलो कोई बात नहीं ऐसे डाल लेती हूँ काम करने के बाद, फिर उतार दूँगी।
हाँ फिर बेटा ये लॉक टूटेगा ही ऊपर से ना, प्लास से तोड़ दूंगी फिर नई चैन डल जाएगी। देखूंगे अगर हस्बैंड डाल देंगे तो वो डाल देते हैं, अगर होगी तो उनके पास, अगर नहीं है तो फिर बाहर से डलवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी गली में आ जाते हैं चैन डलवाने के लिए। और मुझे मेरे पर्स में भी डलवानी है चैन, तो उसमें भी डलवा लूंगी। चलो ठीक है, बाय 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 बाय, अभी मिलते हैं। लेकिन चम्मच में लेके दिखाते हैं, देखिए है ना एकदम ट्रांसपेरेंट। तो मैं इसको छान के अपने डब्बे में भर लूँगी जिसमें मैं घी रखती हूँ। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी अपने घी वाले डिब्बे में, तो इसलिए इसको अभी छोड़ा हुआ 2 मिनट के लिए मैंने। तो मेरा घी बन गया, पूरा 15 दिन चल जाएगा आराम से, फिर 15 दिन बाद दोबारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर दोबारा निकालूँगी। चलिए हमें थोड़ा काम भी निपटा दीजिए, और नहाना भी बेटा बहुत लेट हो जाएगा, फिर धूप है ना, खाने को नहीं मिलेगी मम्मी को। मम्मी ले जावे डाल देती हूँ, काफी दिनों के तो नहीं हुए हैं, और आजकल पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मेरे पास सारी लाइट ही चादर रह गई, कोई डार्क कलर की नहीं रही। बस हो गया, ये देखो देखो ये हाल है, बिछने की देर हुई नहीं, मस्ती खोर मस्ती पहले कूद गए डंडे से। पता आप लोगों को 12 बज रहे हैं। हेलो हेलो हर्षो हटो, मेरा चादर खराब मत करो, अभी बिछाई है ना मैंने, फिर क्या फायदा, आराम से बैठो। आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ आता ही नहीं, अलग अलग ढाल दे। अब ये तो लगा दी, चलो पीछे हो थोड़ा सा, इसको भी आप ऐसे लगा देते और आप इसको ऐसे। हाँ तो पहले ये लगाऊंगी ना रोलिंग रोलिंग। हाँ लगा दो काम जल्दी नहीं होता, 12 पूरा हो चुके हैं, मेरा भी काम नहीं हुआ कुछ भी। काटी कर लू तेरा, ये मेरी तेज मिर्ची है, इसकी छोटी है ना, आज मुझे काम नहीं करने दे रहा ये तेज है तेज, इसकी छोटी नोनी है, छोटी सी नोनी को लेके घूमता क्यों क्या मम्मी कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की, नौ है ये क्या जाने। भाग जा, चल मेरी बेडशीट मैंने ये वाली ढाली है, छोटे बेड की चेंज नहीं करी है क्योंकि वो ज्यादा गंदी नहीं होती है, इस पर तो सब लेटते बैठते हैं, उस पर सिर्फ शाम के टाइम जो मम्मी और हम ऊपर से आते तो मम्मी ही बैठती है, वो मम्मी की सीट है,
तो ज़्यादा गंदी नहीं होती, इसलिए मैंने चेंज नहीं करी बेफालतू में। सर्दी में तो देखो कपड़े वैसे भी इतने सारे होते हैं। अब मैं शेक ही दिखाऊं कि नहीं, मैं तो सारे निकाल के धोती हूँ, तो वो मेरे लिए बेवकूफ़ी है। मैं दिखावा करना आता नहीं, क्योंकि दिखावा 4 दिन चलता है और जैसे हम वैसे हैं हमेशा चलेगा, तो इसलिए दिखावा मुझे करना देखो आता नहीं है। जैसे मैं आपको बताती हूँ अपने घर में खाना वगैरह सब मेरा वही है, कोई दिखावे की चीज़ हमको आती नहीं, ना सीखी हमने। तो सांस भी फूल रही देखी, क्योंकि मैं बर्तन धो के आई हूँ, हाथ भी बहुत ठंडे हो रहे हैं। आज ना बहुत लेट हो गया काम करने में, 1 o'clock हो चुके हैं इस टाइम, बल्कि इससे पहले ही मैं छत पे धूप में बैठ जाती हूँ। पर वो है ना, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो आपको तो पता ही काम की तो बैंड लग जाती है। और आज वैसे भी काम थोड़ा एक्स्ट्रा भी था, क्योंकि घी भी निकाला था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल का अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखो मेरे बाल भी कैसे हैं, नहाने जाना है ना, मम्मी नहा रही है, फिर बेटे को नहलाना, फिर मैं नहाऊंगी, तो इसलिए। वैसे कल मैंने हेयर वॉश किया था, तेल वेल अगर कुछ नहीं लगाया, इसलिए बिखरे हुए लग रहे हैं। तो ठीक है, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रेड कलर का बैल ये ब्लैक कलर का है, तो प्लीज़ उसको प्रेस कीजिएगा। एक थम्सअप का बटन आता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, आपका लाइक मुझे मिल जाएगा। कमेंट्स बॉक्स आता है उसमें कमेंट्स, छोटा सा कोई कमेंट्स प्यारा सा मेरे लिए ज़रूर लिख दीजिएगा। तो सांस फूल रही है, बातें हो नहीं पा रही है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा, अपने आप को ठंड से बचा के रहिएगा।